की ओर से पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो लूप जी, चलिए तस्वीरें दिखा दें हम कनिका। ये तस्वीरें हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका आप जिक्र कर रही थी, राहुल गांधी से मिलने ये स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। ये स्टूडेंट्स पहुंचे हैं जिनका अभी थोड़ी देर पहले कनिका बता रही थी कि राहुल गांधी से मिलने कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं। ये राहुल गांधी से मिलने ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं, राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखेंगे। ये पूरा मामला काफ़ी बड़ा मामला हो गया है, इसमें सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है। बिहार में भी ये सियासी बयानबाजी देखने को मिली, जहां पर डिप्टी सीएम बिहार के उन्होंने आरोप लगा दिए तेजस्वी यादव पर कि उनके कहने पर कमरा बुक हुआ या उनके उनसे संबंधित है जिसने पेपर लीक किया, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार, क्योंकि वहां पर एनडीए की है, तो सवाल सरकार से बनता है। आयुष मेरे साथ हैं, आयुष जहां पर हैं वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और अभी हम थोड़ी देर पहले उन स्टूडेंट्स का बयान भी सुन रहे थे, बात भी सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि वो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, एनटीए को ख़त्म किया जाए, इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर आ रही थी सामने। यूजीसी नेट को लेकर आयुष अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि गड़बड़ आखिर कहाँ हुई। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आती है, गड़बड़ का शक होता है कि हाँ ये परीक्षा सही से नहीं हुई, और सिर्फ इस आधार पर अगले ही दिन उसको रद्द कर दिया गया। क्या वजह है इसकी? आयुष मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है आयुष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, बहरहाल उसके पास जाएंगे हम उनके, आयुष के पास। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, एक तस्वीर जिसमें राहुल गांधी से मिलने ये छात्र गए हैं, नीट से जुड़े ये छात्र हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, और नीट के मामले में भी अब ये साफ हो रहा है कि यहाँ पेपर लीक हुआ था। जिस तरह से बयान आ रहे हैं अब ये साफ होता जा रहा है कि हालांकि शुरुआत में ये बात आई थी कि नीट एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ, खुद शिक्षा मंत्री ने बाहर आकर ये बयान दिया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठे कि आखिर फिर बिहार में 24 गिरफ्तारियां क्यों हुई अगर पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन अब ये साफ हो गया है जिस तरह से बयान आए, एक छात्र ने बयान दिया कि एक रात पहले ही उसको तमाम आंसर्स रटा दिए गए थे, और जब अगले दिन पेपर था तो वही सवाल पूछे गए, वही सवाल पेपर में आए जो एक रात पहले जिनके आंसर्स उसको रटाए गए थे। तो ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, इससे साफ हो रहा है कि ये पूरा मामला पेपर लीक का ही है, नीट का। और उधर यूजीसी नेट की परीक्षा का रद्द करना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, आखिर क्या गड़बड़ी हुई, कहाँ से गड़बड़ी हुई, तो तमाम सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के बीच इंडिया न्यूज़ संवाददाता अक्षित गुप्ता ने कुछ छात्रों से, कुछ अभ्यर्थियों से बात की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सोनिया है। तो इस साल आप अपीयर हुए थे? यस सर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब एग्जाम कैंसिल हो गया है। जी आगे सर। क्या? सर अब आगे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उस एग्ज़ाम की, तो काफ़ी मेहनत लगती है हमें एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में, और कैंसिल हो गया एग्ज़ाम तो काफ़ी मतलब प्रिपरेशन हमारी पूरी ख़राब हो चुकी है। पहला रिएक्शन क्या था जब पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? सर शॉक हो गए थे काफ़ी कि अब मतलब अब कैसे होगा ये एग्ज़ाम कि हमारी इतनी मेहनत बर्बाद हो गई है। हाँ, आपका नाम क्या है? नवीन अग्रवाल है। कौन सा अटैम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट था। इसके लिए काफ़ी ज़ोरों से मेहनत करी थी, जब पूरी तैयारी और बेस्ट एग्ज़ाम जाने के बाद जब पेपर कैंसिल होता है तो बहुत एक धक्का सा लगता है, क्योंकि जितने साल भर मेहनत करने के बाद अब ये नहीं पता कि पेपर अब की बार तो बेस्ट गया, अगली बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोबारा से कि हम अटैम्प्ट करने में उसको सफलता उतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दोबारा से प्रिपरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने लिए। तो देखिए आप सुन रहे हैं लगातार बच्चों को, आप भी अपना नाम बताइए। शालू गुप्ता।
तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। दिल्ली के रहने वाले हैं। तो कितना मुश्किल लग रहा है? क्या सर बहुत मुश्किल है कि ससुराल से करना, एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ पॉइंट कि ससुराल वाले करवा रहे हैं, उसके बाद भी पेपर कैंसिल हो जाता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कहते हैं, प्रॉब्लम भी है, आगे करवाएंगे नहीं करवाएंगे, एज का भी है कि एज जा रही है अब हमारी, तो उससे अब पता नहीं क्या दिक्कत आएंगी आगे सामने। एज फैक्टर भी है सर कि एज भी तो जा रही है ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है सुन रहे हैं लगातार किस तरीके से जो है बच्चे बता रहे हैं। कुछ फैकल्टी से भी बात करेंगे। मैम अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम शिखा है, शिखा सक्सेना। तो आप देखते हैं बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, आप लोग उनके साथ में मेहनत करते हैं, बट अब एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या आ रहा है जब आपको पता चला एग्जाम कैंसिल हुआ? बच्चों का, स्टूडेंट्स का ये है कि उन्होंने इतनी मेहनत की होती है और लास्ट टाइम पे ये पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो अगली बार वो क्वेश्चन उतना अच्छा पेपर हो या ना हो ये भी है कि, और एक एज फैक्टर भी होता है कि 35 इयर्स ही JRF की एज है, अगर लास्ट अटैम्प्ट हुआ किसी का तो वो नेक्स्ट टाइम कैसे अटैम्प्ट कर पाएगा, तो ये चीज़ भी है स्टूडेंट्स की। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क उन्हीं को पड़ता है जो बच्चे तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उनको फिर वो ये है कि आज उन्होंने दे दिया और इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है उनकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं जाए तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? सर आप भी बताइए क्या कुछ आप चाहेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो क्या कुछ आप लोग सरकार से कहना चाहेंगे या NTA से कहना चाहेंगे? देखिए NTA से तो यही कहना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है NTA को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए ही बनाया गया है, और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से अगर नहीं निभा रही है ये तो मतलब शर्म की बात है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है ना। अब बच्चे अपनी पूरी प्लानिंग करके जो है अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, और एग्ज़ाम होने के बाद फिर उनका अपना एक अलग कुछ प्लानिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर से आकर के दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब वो घर चले जाते हैं पेपर देने के बाद, अब बताइए बहुत सारे बच्चे जो घर चले गए हैं अब वो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम? तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ों को देखना चाहिए अच्छे से, क्योंकि NTA को तो सिर्फ इसी के लिए बनाया गया है ना कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। अब आप एग्ज़ाम सही तरीके से फेयर अगर कंडक्ट नहीं करवाएंगे तो ये तो गलत चीज़ है। और इस बार बताया जा रहा है कि OMR पे कराया था, पहले कंप्यूटर पे होता था। हाँ पहले तो कंप्यूटर बेसिस पे ही एग्ज़ाम होता था, इस बार फर्स्ट टाइम जो है OMR शीट पे हुआ है। तो इसको तो मेरे ख्याल से और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के और अच्छे तरीके से करवाना चाहिए था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम OMR शीट पे हो रहा था, अब फिर इस तरीके की बात आना कि पेपर लीक हो गया है, तो ये तो सही नहीं है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को BJP के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है, और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। और कनिका और आयुष यानी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कनिका, ये आरोप लगाए, बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि कैप्चर किया गया है शिक्षा संस्थानों को, वाइस चांसलर्स को कैप्चर किया है, बीजेपी पर सीधा सीधा उनका ये आरोप है। किस तरह के रिएक्शंस आए उनके आरोपों पर? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने नीट का आज विषय उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और राहुल गांधी ने बिल्कुल कहा कि जिस